श्रद्धेय डॉक्टर साहब परम श्रद्धेय जी का आगमन हो चुका है। हम सभी अपनी भाव श्रद्धांजलि परम श्रद्धेय जी एवं परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब को समर्पित करेंगे। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः। मानसिक शक्ति को नमन हमारा पावन पुण्य पूजा को माता है स्मरण तुम्हारा भाव करुणा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। जो ये प्रदर्शनी लगी हैं इसके पीछे वंदनीय माता जी का बहुत बड़ा मतलब रहा कि हमारी बहनें स्वावलंबी बने, परिश्रमी बने और घर बैठ के भी, मतलब ऐसा नहीं है कि हम बाहर घर बैठ के भी हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना सकते हैं और उसके माध्यम से हम अर्थोपार्जन भी कर सकते हैं, स्वावलंबी बन सकते हैं, परिश्रमी बन सकते हैं, जिससे कि अनावश्यक विचार न जा करके हम परिश्रमशील बने रहें और हम श्रमशील बने, हम मेहनत करें, हम अर्थोपार्जन भी करें। दे जी भी चाहती हैं, वंदनीय माता जी भी चाहती थी कि हमारी बहनें आगे बढ़ें और उसके पीछे भाइयों का सहयोग रहें। से आज आपके सामने ये इतनी बड़ी भव्य जो प्रदर्शनी लगी है उसमें जो आप जैसा देख ही रहे हैं बहुत अच्छा लगा। आगे जा कर के इसकी योजना है कि हमारी सभी बहनें इसी तरह से स्वावलंबी बनकर के अपने घर घर में, मतलब हमारे गांव-गांव में ऐसे स्वावलंबन बने जिसके जिससे कि हमारी बहनें मतलब अर्थोपार्जन करें और खुद स्वयंशील बने और दूसरों को भी है जो रोज़गार दे सकें और आगे बढ़ा सकें। हमारे गुरुदेव और वंदनीय माता जी ने कहा है स्वावलंबन से आत्मबल आता है और आत्मबल का धनी आदमी ही कुछ कर सकता है। आज हमारे देश की बहनें जो सब ऐसी हैं कि जो कि किसी ना किसी कारण से वो दबी हुई हैं और दबी होने के कारण जो अपने अंदर की शक्ति है वो पहचान नहीं पा रही हैं। उनके अंदर जो शक्ति है, एक शिक्षा की शक्ति है, एक स्वावलंबन की शक्ति है और एक कुरीतियों मूढ़मान्यताओं से दुर्गा की तरह लड़ने की शक्ति है। तो ये तीनों शक्तियाँ जो कि सरस्वती, काली और लक्ष्मी की हैं, जो अर्न करके कमाती हैं और पूरी दुनिया को बांटती हैं, वो उनके अंदर है। ये स्वावलंबन की शक्ति उनके अंदर जागृत हो, उनके अंदर आत्म बढ़े, उनका आत्मगौरव बढ़े, इसलिए ये किया गया है।